हेलो नमस्कार दोस्तों, और सही का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपकी लाइव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है कि हैकिंग के बारे में। दोस्तों, आप सही जानते हो कि हैकिंग जो है वो आज की डेट में एक साइबर क्राइम के रूप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो हैकिंग है वो किस तरह से की जाती है और रीजंस क्या होते हैं, और जो इसको रोकने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा आपके। ये दोस्तों, आप सही तो जानते होंगे, जो भी मतलब कि कंप्यूटर, मतलब कि जो जिस भी डिवाइस में आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, उसमें जो होता है वो आपके सामने एक आईपी एड्रेसिंग के रूप में एक टर्म आती है। दोस्तों, जो आईपी एड्रेसिंग होती है, इसके कारण ही जो हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंस आता है। जैसे कि आपके पास मान लो कोई आईपी एड्रेस है, अगर आप उस पे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो आपका जो बाकी लोगों से इंटरनेट जो एड्रेस है वो अलग हो जाता है। इसे आईपी एड्रेसिंग कहते हैं। तो दोस्तों, जो आईपी एड्रेसिंग के थ्रू एक मतलब कि स्पेसिफाई यूज़र को पहचाना जाता है, और एक आईपी एड्रेसिंग के थ्रू ही हम जो यूज़र के सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईपी एड्रेसिंग के थ्रू ही हैक होने के सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं, जो कि जो सर्वर हैकिंग होता है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आईपी एड्रेसिंग को ही माना जाता है। दोस्तों, जो आईपी एड्रेसिंग होता है वो ही मतलब कि डिफ्रेंशिएट करता है हर एक कंप्यूटर में। तो दोस्तों, इसलिए जो आईपी एड्रेसिंग के थ्रू ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हैकिंग की। तो दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम वो आती है जैसे कि आप अनडिफाइंड एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हो और अपने जो डिवाइस की एक्सेस उस कंपनी को देते हो जिसने वो एप्लीकेशन बनाई है, तो वो आपके जो एक्सेस जिस भी चीज़ का आप देते हैं की हुई चीज़ को मतलब कि वो चेक कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो अकाउंट है उसमें छेड़खानी करने के लिए जो टर्म्स आएगी उसमें उसको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, यही होते हैं टू टर्म्स जिसमें कि आप सभी हैकिंग हो सकते हो। तो दोस्तों, इसमें अगर आप देखते हो कि हैकिंग का चीज़ है, तो दोस्तों आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जो एग्जांपल है वो एक गेम से रिलेटेड है जो कि पबजी है। तो दोस्तों, आप सही जानते हो कि मैक्सिमम जो हैकर है वो पबजी खेलते हैं, और जो हैकिंग उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जो हैकिंग होती है उसमें आप देखते हो कि आपके अकाउंट मतलब कि जो सर्वर जिस सर्वर के ऊपर वो चली है उसके साथ छेड़खानी की जाती है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ के साथ छेड़खानी करना या फिर किसी भी चीज़ के एक्सेस मांगना या फिर किसी भी चीज़ में मतलब कि घपला करना, जैसे कि बैंक रियूजम वायरस अभी आया था उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, वो भी एक हैकिंग के टाइप में आता है जो वायरस के रूप में काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हैकिंग की जाती है। तो दोस्तों, अब आपको पॉइंट्स बताता हूँ मैं जिससे कि जो हैकिंग होती है उसको कैसे रोका जाए और किस टाइप से मतलब कि हैकिंग को कम किया जाए या फिर रोका जाए। तो दोस्तों, इसमें आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो मर्जी एप्लीकेशन कभी भी डाउनलोड मत करना। दोस्तों, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें भी हैक होने के चांस बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी तरह के लिंक से अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आने के रीज़न ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, नंबर टू पॉइंट ये आता है, जो आपके पासवर्ड्स है उसको आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, इस तरह से आप हैकिंग से बच सकते हो। दोस्तों, जो हैकिंग है वो आज की डेट में सबसे ही बड़ी साइबर क्राइम के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो ईवीएम मशीन है वो भी आज की डेट में बहुत ही अच्छे ढंग से हैकिंग की जा रही है। तो दोस्तों, जो ईवीएम मशीन है वो इलेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, एक हैकिंग पूरी सरकार को चेंज कर सकती है। तो ईवीएम के स्थान पर हम जो जिलेट पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हैकिंग कम होगी। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि स्टे सेफ फ्रॉम हैकिंग। दोस्तों, हैकिंग से जितना आप बच सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपके अकाउंट्स के लिए अच्छा है। दोस्तों, जो हैकिंग होती है वो केवल रिच पेपर के ऊपर की नहीं जाती, वो
हर एक इंसान के ऊपर की जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक में। आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।